मित्र कांग्रेस पार्टी आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया।